नमस्कार, मैं हूं स्वाति पारसर और स्वाति की पावन रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बनाएंगे हम लिसाड़े का अचार। इसे लेसुआ भी कहा जाता है और कहीं कहीं इसे गुंदे भी कहा जाता है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद अचार है, इसे ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि जहां अधिकतर हम में से कई लोगों के कई घरों में अधिकतर देखा गया है कि जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कई मतलब दर्द ऐसे हैं शरीर में जो ये ख़त्म करता है। तो जो जोड़ों में दर्द है वो भी ठीक करता है, क्योंकि इसमें एक लिसलेसा सा पदार्थ निकलता है जो कि ये हमारे घुटनों के में जो दर्द है जोड़ों में उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसे चलिए बना लेते हैं इस अचार को, और ये साल भर ख़राब नहीं होगा। एक ख़ास टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं बताऊँगी आपको कि आपका अचार साल भर कैसे ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए, तो ये जो डंडियाँ दिख रही हैं, तो इन डंडियों को हम तोड़ लेंगे, और ये जो कैप है कैप को बिल्कुल मत निकालिए क्योंकि हम इसे उबालेंगे, तो ये जो पानी भर जाएगा इसमें तो अचार जो है ख़राब होने का डर रहता है इसमें। तो ये जो कैप है ये इसे नहीं निकालेंगे और ये डंडियों को हम काट लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इन्हें कैंची से काट लिया है कुछ डंठलों को, और बहुत अच्छे से कट जाता है। बस ये मैंने ये गलती कर दी कि ये 2-3 दिन हो गए रखे हुए, तो ये डंडियाँ जो हैं थोड़ी सूख जाती हैं, इससे काटने में क्या होता है कैप भी निकल जाती है। तो एक दो निकल भी गई थी कैप, तो उसे हटा देंगे हम, पकाने के बाद अलग रख देंगे क्योंकि उसके साथ हम नहीं मिलाएंगे, नहीं अचार हमारा ख़राब हो जाएगा सब कैप के साथ अचार। तो ये देखिए, तो क्या करना है अब हमको, पानी रख दिया है हमने भगोनी में गैस के ऊपर, और पानी जो है हमारा उबल गया है। अब इसमें डाल देंगे हम 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, और साथ में हम इसमें ये डाल देते हैं लसोड़े, कहीं कहीं इसे लसोड़े भी बोला जाता है, आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं ज़रूर बताइए। जब भी आप इसे ख़रीदें तो ऐसे बड़े साइज के ही ख़रीदें ये लसोड़े, तो ये ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें पल्प होता है, तो ये खाने में भी हमको ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैंने इसे उबलने रख दिया है और इसे हम 5 मिनट करीब उबालेंगे, जब तक ये थोड़ा सा नरम ना हो जाए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं पकाना है नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा अचार, इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना है हमको। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और ये इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा नरम हो जाए ये, और इसे हम दबा के देखते हैं और इसको गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद, और इसे तुरंत ही निकालना है हमको, और मैं आपको बताती हूँ कि इसे दबा के हमें देखना है। तो ये देखिए, इसका जो कैप निकल गया था, जो दूसरा देख लेते हैं हम, हल्का सा ये दबने लगे, ये देखिए दब रहा है, बस अब इसे हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। ज़्यादा बिल्कुल मत पकाइए नहीं तो अचार जो है हमारा ख़राब हो जाएगा। तुरंत ही गर्म पानी से हमें निकालना है इसे, इसे छोड़िए नहीं गर्म पानी में नहीं तो ये ज़्यादा कुक हो जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे थाली में निकाल दिया है और इसे बाहर रख दिया है, थोड़ी सी अभी धूप गई है, हल्की सी बाहर हवा चल रही है, और ये सूख जाएगा। ज़्यादा इसको कड़ी धूप में मत रखिए नहीं तो काले पड़ जाएंगे, और इसे पंखे की हवा में भी रख सकते हैं जिससे इसका पानी सूख जाए। और फिर साथ में इसकी हम कैप भी निकाल लेंगे। कैप कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ये जैसे ये है, इसके पीछे जो ये कैप रहती है ये, इसको हमें निकालना है। ये निकल गया, जैसे ये निकल गई, और ये देखिए इस तरीके से ये कैप निकालना है, और बस इसे धूप में रखे रहने दीजिए। थोड़ी धूप चली गई है, मतलब कड़ी धूप में मत रखिए, हल्की हल्की सी धूप गई है और वातावरण में अभी थोड़ी हल्की हल्की गर्मी है, तो ये सूख जाएगा यहाँ पर। तो जब तक हमारे लसोड़े बाहर सूख रहे हैं तब तक हम ये केरी लिए, मैंने बड़ी सी 1 किलो मैंने लसोड़े लिए थे और 1 केरी बड़ी सी ली है, तो इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। साथ में लसोड़े के अचार में अगर हम केरी डालते हैं तो ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो देखिए, अब हम सारे मसाले तैयार कर लेते हैं इसके। तो मसाले तैयार करने के लिए हमने देखिए सारे एक साथ रख लिए हैं, और आपको बताती हूँ मैं
कि जो खड़ी सरसों होती है, जो काली वाली बड़ी वाली, वो ली है मैंने 2 चम्मच। और ये चम्मच जो देख रहे हैं आप, खाने वाली चम्मच, इसी नाप से लिया है, ये देखिए। और ये लिया है मैंने कलौंजी। और ये जो है पीली वाली सरसों होती है जो, वो है। तो मेरे पास राई दाल नहीं थी तो मैंने पीली सरसों ले ली। अगर आपके पास ये है तो आप इसे भी पीस के ले सकते हैं अचार में। और ये जो है सौंफ ली है 2 चम्मच, और 2 चम्मच ही मैंने पीली सरसों ली है, 1 चम्मच जो है कलौंजी ली है, और 2 चम्मच जो पीली वाली जो बड़ी वाली सरसों है वो ली है, और 2 चम्मच सौंफ लिया है, 1 चम्मच मेथी दाना है, और 1 चम्मच जीरा है, और ये 4-5 लाल मिर्च हैं, ये तीखी वाली मिर्चें हैं, तो ये भी इसमें डाल देंगे हम। अगर आपके पास पीसी लाल मिर्च हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो आप उसे 1 चम्मच, या जैसा ज़्यादा तेज खाते हैं तो 2 चम्मच डाल दीजिए पूरी मिर्च में। इसी चम्मच से 2 चम्मच डाल देंगे तो सही रहेगा नाप। तो देखिए गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है, और अब हम ये सबसे पहले मेथी दाना को सेक लेते हैं। मेथी दाना थोड़ा सा सिक गया है, और अब डाल देते हैं हम, चटकने लगा है हल्का सा, जीरा, साथ में डाल देते हैं सौंफ, अच्छी काफी ऐसी चटकने की आवाज आ रही है। और गैस को कर देते हैं हम बंद, क्योंकि गैस कढ़ाई जो है काफी गर्म हो गई है अच्छी। और ये जो है कलौंजी, ये भी डाल देते हैं इसमें, और ये लाल मिर्च जो हमने ली थी ये भी डाल देते हैं। अभी हमने सारे खड़े मसाले लिए हैं, और ये पीली वाली जो सरसों है वो डाल देते हैं। गैस को हमने बंद कर दिया है क्योंकि थोड़ी सी मोटी है कढ़ाई, ये तो गर्म है, तब तक ये भी सिक जाएगा। और काली वाली डाल दी है सरसों हमने। अब इसे हम ठंडा होने देंगे, और इसे थोड़ा दरदरा सा पीस लेंगे, मोटा सा थोड़ा थोड़ा पीस लेंगे। तो देखिए मैंने ये बड़े बर्तन में अच्छे से रख लिया है इसे, और इसमें मैंने कैरी भी मिला दी है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें सारे मसाले मिलाएंगे। तो सबसे पहले मैं जो तेल है मैंने गर्म करके ठंडा कर लिया था तेल को, ये देखिए ये 2 कटोरी करीब तेल है। अगर आप अचार को साल भर रखना चाहते हैं या 15 दिन में खाना चाहते हैं उस हिसाब से कम तेल डाल सकते हैं, लेकिन अगर साल भर रखना चाहते हैं तो आप तेल ज़्यादा भर के रखना पड़ता है इस अचार में, क्योंकि ये अचार ख़राब होने का डर रहता है। तो ये देखिए मैं इसमें पहले थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ, और इसके बाद हम इसमें मसाले डाल देंगे। सबसे पहले ये हल्दी, थोड़ी सी हींग है ये 1/4 टीस्पून करीब, और ये जो मसाला हमने पीसा था ये मसाला, और 4 चम्मच करीब ये नमक। अब इसे हम मिलाएंगे अच्छे से, और ये जो तेल है इसे भी डाल देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अचार हमारा तैयार है। तैयार है का मतलब ये नहीं कि आप इसे खाने लगेंगे, ये अचार कम से कम 5-6 दिन में तैयार होता है, कभी कभी 6-7 दिन भी लग जाते हैं। इसे अच्छे से ढक के रख दीजिए, और इसे 1-2 दिन में फिर से इसको मिलाइए अच्छे से, और फिर उसको कांच के जार में आप भर के अच्छे से रख दीजिए सूखे जार में अच्छे से। और अगर आपको साल भर चलाना है तो तेल को भर के ही डुबो के रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 15 दिन या महीने भर ही चलाना है तो इतना तेल काफ़ी है, आप इसे आराम से ऐसे रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। तो देखिए अचार हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। मैंने कहा था आपको 2-3 दिन से चलाना, लेकिन ये 5-6 दिन हो गए मुझे इसी चीनी मिट्टी के बर्तन में रखे हुए, और अब मैं इसे कांच के जार में रख लेती हूँ। और ये देखिए कितना अच्छा मसाला फूल गया है, आप खुद ही देखिए, बहुत ही अच्छा अचार बना है। और जो तेल हमने डाला था वही तेल है ये, और पूरा ये देखिए ऊपर से दिख रहा है,
और मसाला बिल्कुल फूल गया है और बहुत अच्छे से ये अचार बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, खाने लायक हो गया है। और कल से हमारे यहाँ ये निकलने भी लगा है, वो खाना शुरू हो गया है। और जो ये जो होता है इसका जो बीज है ये इसे मतलब जो इसमें लिसलिसापन होता है वो छोड़ने लगा है, यानी छिलका जो है एकदम अलग हो जाता है और बीज अलग हो जाता है, यानी ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसे रख लेते हैं हम जार में, और देखिए इसे रख लेते हैं हम कांच के जार में। अगर आप 15 दिन में इस अचार को खाना चाहते हैं तो ये देखिए इतना तेल काफ़ी है, महीने भर तक ये आराम से चल जाएगा। अगर महीने भर भी चलेगा तो आराम से चल जाएगा। तो ये देखिए, और अगर बहुत सारा आपने अचार बनाया साल भर रखना चाहते हैं तो उसमें तेल में डुबो कर ही रखना पड़ेगा, नहीं तो उसमें बहुत जल्दी फफूंद लगती है और ये अचार हमारा ख़राब हो जाता है। तो डेली उसके लिए आप छोटे से किसी कांच की बर्नी में निकाल के रख लीजिए कि डेली उसमें से निकाल सकें। बड़े बर्तन में जिसमें आपने बड़े कंटेनर में रख रखा है उसमें रोज मत खोलिए निकालिए उसे, और जब भी आप इसे निकालिए तो तेल के बराबर लेवल में इसे कर दीजिए। ऊपर नीचे ऊपर खाली मतलब सूखा सूखा सा ना रहे, ये सारे जो हैं ऊपर ना रहें, तेल में डूबे रहें, तो ये साल भर चलते हैं। ये औषधीय गुणों से भरपूर हैं, इसे ज़रूर बना लीजिए। और साथ में ये बरसात में आपके बहुत काम आने वाला है, जब सब्जियां अच्छी नहीं मिलती हैं तो ये अचार हमारे लिए बहुत उपयोगी है। खाने के साथ इस खाने के स्वाद को बढ़ा भी देता है और साथ में आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। तो इसे जब तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अचार ज़रूर जल्दी से बना लीजिए क्योंकि जून महीने तक ही ये मिलते हैं। तो जाइए जल्दी से और लेकर आइए और बना के रख लीजिए। तो ये अचार मेरे यहाँ तो सिर्फ 15 दिन में ही ख़त्म होने वाला है, तो मैं इसमें ज़्यादा ऊपर तक तेल नहीं रख रही हूँ, और बीच बीच में एक दो दिन में आप इसे ऊपर नीचे खिलाते भी रहिए, बर्नी से ही खिला दीजिए जिससे कि ख़राब भी नहीं होगा और चल जाएगा आराम से। तो बना लीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।